हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड दमोह। जिले के गैसाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक अरुण नामक व्यक्ति था, जबकि दूसरा नाबालिग था जो कि वीडियो बना रहा था। मामले की जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को गैसाबाद थाने में नाबालिग पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, साथ ही वीडियो बनाकर उसे धमका भी रहे हैं। इधर गैसाबाद पहुंची डीएसपी प्रिया सिंधी ने पीड़िता के परिजनों से चर्चा कर प्रकरण की विवेचना जारी रखी है। पुलिस का कहना है कि करीब 10 दिन पूर्व पीड़िता से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी को तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, वहीं दूसरा आरोपी फरार था, जिसको भी पुलिस ने आज धर दबोचा। मामले की पूरी जानकारी डीएसपी प्रिया सिंधी द्वारा दी गई। कल दिनांक 3/10/20 में एक थाना जैसाबाद में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है दुष्कर्म को लेकर। बच्ची अपने माँ बाप के साथ आई थी थाने पर और उसने बताया कि उसके साथ एक लड़का है जिसने उसके साथ गलत काम किया था आज से 10 दिन पहले, और दूसरा आरोपी है जो नाबालिग है बच्चा, और उसने उसका वीडियो बना लिया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले बच्ची ने डर के कारण बताया नहीं अपने परिवारजनों को, फिर मैं ये लोग उसका वीडियो बना के और उसको धमकाते रहे, और उसको लगा कि जब जैसे ही माता पिता को पता चला, बच्ची ने डरी थी इसलिए बताया नहीं, फिर जैसे ही उसने बताया तो थाने पर रिपोर्ट करने आए थे, रिपोर्ट दर्ज की गई और अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वीडियो वायरल होने की जो घटना है उसमें कई लोगों को बुलाया गया, फ़ोन जब्त किए गए हैं जिनको जांच के लिए भेजा जाएगा भोपाल, और बाकी और भी तस्दीक जारी है, कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी का क्या नाम है? मुख्य आरोपी का नाम अरुण है, लड़के का नाम अरुण उर्फ अन्नी करके उसका नाम है। एक बच्चा जो है वो नाबालिग है। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा चुका है। मैंने सुनने में आया था कि वीडियो जो बनाया गया है, वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया गया इस संबंध में तस्दीक। हाँ, जैसे ही पता चला है कि वीडियो वायरल हुआ है तो संबंधित से जांच की जा रही है, कई लोगों को यहाँ बुलाया गया है, कई के फोन जब्त हुए हैं, और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को देखते हैं जो उसमें आरोपी होगा उनको।